आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला संत कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार। मुंबई में नए साल के जश्न पर पाबंदी, 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा देश में इस साल 126 बाघों की मौत हुई। राहुल गांधी की 3 जनवरी को पंजाब में होने वाली रैलियां रद्द। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी समेत जैश मोहम्मद के 6 आतंकियों को किया ढेर। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए नवनिर्मित नगर निगम परिसर में बनाए गए ब्रह्मलीन महंत अवेधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करके 127 साल बाद बनाए गए नगर निगम सदन भवन का लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने छात्रों को लैपटॉप बांटे और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने नगर निगम के नए 5 मंजिला सदन भवन का लोकार्पण करने के साथ ही करीब 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर महिलाओं और स्कूली छात्राओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान प्रियंका ने कहा कि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से कहा कि हमारी पार्टी को सहयोग मिला तो जो वादे पार्टी ने जनता से किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। को छुआ है, छोटे छोटे बच्चों को छुआ है, नहीं हुआ है, कई नहीं हुआ है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें सरकार को कुछ ऐसी ठोस कदम उठानी पड़ेगी जिससे किसान खड़ा होगा। पहले तो खड़ा होगा अपने पैरों पर, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो तमाम ऐसे किसान है जो इसी तरह से आत्महत्या करेंगे या जितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्ज हैं उनके सर पे, खाद नहीं मिलती, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, उनकी इतनी समस्या है कि अगर सरकार की तरफ से थोड़ा समर्थन नहीं मिलेगा तो उन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो कर्ज माफ करने वाला है ये उन समस्याओं से निकालने के लिए, एक बार उस समस्या से निकल गए फिर जो सुविधाएं हैं जो सरकार कर सकती है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। गाजीपुर के सैदपुर से विधायक सुभाष पासी के आवास पर बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन को राज्यसभा सदस्य सकल दीप राजभर ने संबोधित किया। इस मौके पर विधायक सुभाष पासी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हर दल में, हर दलों से ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है और हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों का सम्मेलन करा रही हैं। पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन आज हुआ है वो आपने देखा होगा, इसमें सभी धर्म के लोग आए हुए थे और ये सम्मेलन बहुत ही अच्छी तरह से माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ और हम लोग अपने विचार जो पिछड़ा वर्ग है उनके बीच में हम रख रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के उसके विषय हम लोग गहन चर्चा करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो है कि हर उस परिवार को के चेहरे पे मुस्कान हो जो पीड़ित है और हर तरह से हर मदद पहुँचाने की।
धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है। आरोपी कालीचरण को अब रायपुर लाने की कार्यवाही की जा रही है। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उसकी तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कालीचरण का वो विवादित बयान जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। हो भैया जो हिंदू हित की बात करेगा, पर ये एक सूत्र, ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारी घर की औरतें बड़ी बड़ी सुशील और सभ्य है, ये वोट को नहीं जाती है। सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे गांव की औरतों का क्या होगा? महामूर्खो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिया भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाल वाली। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आगरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक। बीते दिन आगरा में हुई वाल्मीकि समाज के युवक अरुण की हत्या के बाद वाल्मीकि समाज को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। वाल्मीकियों के सहारे भाजपा के वोट बैंकर प्रियंका सिंधमारी करने की सोच रही हैं और वाल्मीकि समाज खुद लड़कर ले सकता है, ये प्रियंका ने बात कही है। हथियार आगरा के सुभाष पार्क चौराहा स्थित वाल्मीकि वाटिका में मृतक अरुण के परिजनों और तख्त चौधरियों से भी मुलाकात की प्रियंका ने। वहीं अब खबर सहारनपुर से है, जहां थाना फतेहपुर के देहरादून नेशनल हाईवे पर चमारखेड़ा टोल प्लाजा पर टोल नहीं देने पर महिला टोल कर्मी और कार चालक में मारपीट हो गई। दोनों में मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से युवक की आमने सामने आ गए और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं दी है और दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना हरदुआगंज के क्षेत्र के नगला खुर्म में रजवाहा कटने की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, जिसके बाद किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। फसल जलमग्न होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि सिंचाई विभाग हर रोज ऐसी लापरवाही कर रहा है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और किसानों को फसल का मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। लेकिन लापरवाही से सब रात के चल रहे हो, सब ज्यादा बम्बा ओवर ही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब हमारा तो सब आलू की फसल को मिल जाना चाहिए नुकसान, हमारा आलू को और मुआवजा। मुआवजा अधिकारियों किसी को सूचना दिया आपको? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी अब तक जाम कब तक रहेगा? जब तक कोई आ रहा है। तो उससे किसानों की जो फसल है वो डूब गई है, पानी से डूब गई है। तो किसानों ने इसके लिए यहाँ पर आंदोलन और वो किया है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, लेखपालों की टीम भेज दी है।
खबर और अयर से है, जहां सुभाष चौक पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मिर्जापुर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए मांग की है। इस दौरान 9 साल की बेटी के हत्यारों को फांसी देने की लोगों ने मांग की है। लोगों ने हाथों में तख्तियों पर प्रदर्शन किया। बीते 2 तारीख को मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पर में 9 साल की बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई है, जिसका आज तक कोई FIR नहीं दर्ज की गई है। उसके खिलाफ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के तहत कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? बेटी को न्याय मिले, हत्यारों को तुरंत। खबर संभल से है, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते आवारा पशु सड़कों और खेतों में खुलेआम घूम रहे हैं, तो वहीं किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। तो वहीं फसलों की रखवाली करने के लिए किसानों को ठंड में खेतों पर जाकर फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है। वहीं किसानों का कहना है कि जब गौशाला बनी हुई है तो फिर पशु खुले में क्यों घूम रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। गेहूँ खा रहे हैं, 1.5 महीना हो गया रखा, तो भी रात भर मतलब क्या नाम है हीरा में मतलब क्या नाम है जाते ना रात मतलब क्या नाम है आधे घंटे घर चले गए तो 1 बीघे गेहूँ खा गए। आपने शिकायत न करी कहीं? शिकायत किसके पास करें, मतलब क्या नाम है अगर किसी से शिकायत करेंगे तो मतलब साहब मतलब यह होगा, बोले क्या नाम है तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? अब बताओ अपने खेत में रखा हमें रात में तो इन्हें मतलब न रोथाम है तो क्या होगा ना, सब जितने भी खेत में गेहूँ है सारे खा जाऊंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।